सो दैट्स वट यू हैव टू डू एक पॉलिटिकल मैप लिया उस पॉलिटिकल ब्लैंक वर्ल्ड पॉलिटिकल दिस इज़ ब्लैंक वर्ल्ड पॉलिटिकल जिसमें कंट्रीज़ मार्क हुए हुए होते हैं एक वो मैप होता है जिसमें कंट्रीज नहीं होते सिर्फ कॉन्टिनेंट की आउटलाइन होती है बट यू हैव टू गेट दिस वन जिसमें कंट्रीज भी मार्क हों ताकि इंडिविजुअल फीचर्स की मार्किंग आसान हो फॉर्म में बनाना है उसका सिंबल मैंने आपको बता दिया था अभी मैं व्हाइट बोर्ड खोलकर दिखा भी दूंगी कि किस तरह से वो मार्किंग आपने करनी है नाउ हियर ऑन इन द नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है रॉकीस सो so, उसकी शेप यहाँ पे एस शेप जाएगी और उसी एस के अंदर यू यूक मेक अग्जैक जगजैक्ट सिमिलरली ओवर हेयर इन दस इन साउथ अमेरिका चेक आउट माई पॉइंटर यहाँ से आप जैगजैग बनाएंगे और ये पूरा चिली के अलॉन्ग रन करेगा दिस नैरो थिन कंट्री इज चिली ओके सो यहाँ से ये यह यूं इस तरह से आपने जेगजैक बनाया जैसे जैसे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है सो so, दिस विल रेंज इसी तरह इज अफ्रीका और अफ्रीका के नॉर्थ में यहाँ पर बहुत सारे नाम मैंने आपको लिखवाए थे वॉलोज की लिस्ट थोड़ी लंबी है देर वाल बाई द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ने फला जोकुल सो दिस इज आइस लैंड ठीक है ये आइसलैंड है ये छोटा सा आइलैंड जो अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में है दिस इज आइसलैंड इस आइसलैंड के ऊपर यू विल ड्रॉ अ लिटिल ऑरेंज कलर्ड ट्रायंगल। ठीक है ट्रायंगल की बेस नीचे की तरफ और पॉइंट ऊपर की तरफ जस्ट लाइक अ कोन एक्सक्यूज मी देन यू विल मार्क इट यहाँ तो काफ़ी जगह है तो आप उसका नाम यहाँ पे उस, उस फीचर के साथ ही लिख सकते हैं और अगर कहीं पे जगह ना हो लाइक दिस हिमालयाज यहाँ पर तो आप फीचर बनाएं और उस पे one, और जहां जहां पर नंबरिंग करें नंबर वन और जहाँ जहाँ पर मैप पे ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर इंडियन ओशन में और अटलांटिक ओशन में यहाँ पैसिफिक में तो जस्ट ड्रॉ अ बॉक्स लाइक दिस इफ़ यू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ माई पॉइंटर कर्सर तो ये इस तरह से आप बॉक्स बनाइए और उसके अंदर सारे फीचर्स की लिस्टिंग करें उनके नंबर के अकॉर्डिंग और अगर जगह कम पड़ जाए तो यहाँ पर दूस, दूसरी जगह है यहाँ पर आप बनाइए हमेशा लेजेंड या नेम बॉक्स जो है होता है वो मैप के फ्रंट पे ही उसी एरिया के अंदर हमें बनाना होता है पीछे या किसी दूसरे पेज में इट्स नॉट फेवरेबल दूसरे पेज में उस वक्त करते हैं जब कोई ऑप्शन बचे ही नहीं अदरवाइज ये प्रेफर करना चाहिए कि जो हमारा मैप एरिया है उसी के अंदर ही हमारी लेबलिंग भी हो जाए हमारे सिंबल्स भी और टाइटल तो ऑब्वियसली मैप के ऊपर ही आना चाहिए सो आई होप नाउ आई एम मच क्लियर इफ यू गाइस हैव एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू मे टाइप इट डाउन एंड लेट मी शो यू हाउ हाउज फीचर्स आर मेड ओके सो दिस इज़ द रॉकीज़ और ये बनाने के बाद आप इसकी लेबलिंग इसी के साथ साथ करेंगे लाइक like, जिस डायरेक्शन में नाम है उसी डायरेक्शन में आपने इसको लेबल करना है लाइक दिस रॉकी और अब ज़्यादा स्पेस नहीं बची लेकिन आपके मैप का साइज़ क्योंकि बड़ा होगा ए थ्री साइज़ So you would be able to write the word mountains completely. Okay, so this is Rocky Mountains. So that's how you will label. Now, let's see. Um, that mountain. This is Iceland. For that, you will choose orange, and you will draw and an orange triangle. तरह से आपने ऑरेंज ट्रायंगल बनाया और उस पे फिर उस फीचर का नाम उसके साथ आप लिख देंगे दैट्स हाउ यू विल राइट डाउन द नेम इट्स क्वाइट बेक आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू एवरी वन आपका राइटिंग साइज मैप के एरिया के अकॉर्डिंग आप उसे छोटी बड़ी कर सकते हैं so that was री एक्सप्लेशन ऑफ द मैप इन विच यू हैड टू मार्क द माउंटेन्स फेमस माउंटेन रेंजेस एंड वॉल कैनोस ऑफ द वर्ल्ड इसके साथ मैंने आपको बताया ये जो एम spaces, स्पेसिस ब्लैंक स्पेसिस हैं यहाँ पे आप अपना की बॉक्स बना सकते हैं लेजेंड बना सकते हैं आप इस तरह से बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स के अंदर डिंगली जो भी आपको नेमिंग करनी है कीजिए और अगर जगह यहाँ पर फिलअप हो जाए सो यू मे ड्रॉ इन अदर बॉक्स हीयर तो यहाँ पर जहाँ पर मेरा पॉइंट इस वक्त ब्लिंक कर रहे हैं इस पॉइंट पर आपका एक फीचर आएगा सिंडर कोन्स ऑफ असेंशन आइलैंड्स तो वो आइलैंड्स uh, आपको एक नॉर्मल स्मॉल साइज के मैप पे नहीं दिखता क्योंकि वायलेंट्स बहुत छोटे हैं सो यू हैव टू ड्रॉ सम डॉट्स एंड देन ट्राइंगल्स फॉर दैट ओके नाउ लेट्स कम बैक टू चैप्टर नंबर थर्टीन फॉर केमिकल वेदरिंग Okay, so chemical weathering. Let's continue chapter number thirteen. We have discussed physical weathering yesterday. Uh, we discussed frost action, that was the action of, uh, of freezing and thawing of ice and water, and then we discussed salt salt crystal growth, where. Uh, due to evaporation of water the salt was converted into crystal and those crystals were weathering the rock and then third one was the pressure release jointing uh, which was happening due to the action of pluton inside the surface of earth and which uh, cracks or which weathers or which breaks the earth's surface in the form of layers or wool layers come sheeting process like forming sheets of rocks so sheeting now

और हवा नमी, नमी वाली हवा है और वो किसी रॉक को लग रही है तो वहाँ पर भी केमिकल वेदरिंग पॉसिबल uh, है सो वाटर वुड बी देयर ओके देन टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग

स्लाइटली ब्ल्ट हो जाएंगे या वो वो नोक वाला फ़ीचर जो था वो नोक हल्का सा गोल हो जाएगा अक्सर हमारे बेड के जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद उसकी जो नोक होती है वो आहिस् घिसने लग जाती है इसी तरह अगर कोई चौक फीचर है या चौक का कोई शो पीस है और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो उसके कोने भी आहिस्ता आहिस्ता घिसने लग जाते हैं सो दैट इफ़ दैट हैपन्स इन द रॉक तो उसको हम कहते हैं एसफीडल वेदरिंग वी हैव हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिस ये पहली टाइप है हाइड्रेशन और हाइड्रोलिस का uh, जो मेन डिफरेंस है दैट इज हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर कम्पाउंड जब पानी एडिशनली किसी कंपाउंड में एडअप हो जाए और उस उस कंपाउंड को स्लाइटली चेंज करें व्हेन वाटर कंबाइंस एडिशनली टू टू अ कंपाउंड एंड स्लाइटली चेंजेस दैट कंपाउंड। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर किस तरह से ऐड हुआ क्या आप समझ लें एक ट्रेन के पीछे एक एक और आ, ट्रेन का डब्बा लग गया तो ट्रेन थोड़ी सी लॉन्ग हो गई बट इन द हाइड्रोलिसिस वट हैपन्स कि वो एक्चुअल केमिकल जो होता है वो अपनी शक्ल अपना एक्चुअल केमिकल फार्मूला चेंज कर देता है और वो कुछ और फॉर्मेशन हो जाती है एक नई चीज़ बन जाती है सो हाइड्रेशन हैज़ लिटल चेंज वाइल हाइड्रोलिस कम्प्लीटली चेंज इज अ कंपाउंड रॉक और दोनों में पानी का एडिशन होता है तो इफ़ यू लुक एट दिस रॉक यहाँ पे छोटे छोटे से होल्स हो गए हैं ये सब केमिकल uh, वैदरिंग की वजह से है एंड इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर ओवर हीयर तो यहाँ पर स्पिर वैदरिंग हुई है चेक आउट माय कर्सर ओके नाउ

वो कंपाउंड वैसा नहीं रहता बल्कि मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है हाइड्रेशन के अंदर स्लाइड चेंज आता है लेकिन दोनों चेंजेस केमिकल, केमिकली और परमानेंटली होता है ओके नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन सो देयर इफ देयर इज मेटेलिक एलिमेंट इन द रॉक्स इन इन एनी काइंड ऑफ कंपाउंड तो वो मेटेलिक एलिमेंट हवा में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाते हैं और फिर वो ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स इन मेटेलिक मिनरल्स इस ऑक्सीडेशन सो जनरली हम देखते हैं कहीं पर अगर रॉक्स रेडिश ब्राउन कलर के हो रहे हैं तो वो वहाँ पर ऑक्सीडेशन um, का प्रोसेस डोमिनेट होता है सो so, ये <coughs> Excuse me. Okay, so this is oxidation, and then uh, the next type is carbonation. So, in the process of carbonation. Water vapors uh, dissolve in carbon dioxide and carbonic acid is formed, and then that acid changes the rocks. Formation of carbonic acid by the action of water vapors and carbon dioxide, and then chemical change in the rocks. We have hardly two minutes of meeting time left, so that's why I'm going a bit quicker. Okay, that's dissolution of carbonates uh, when water vapor reacts with carbon dioxide to form carbonic acid, and then that carbonic acid reacts with uh, the minerals and the compound of the rock. So, what is rock rock's form change? We um it weathers out so there these reddish kind of soil it's because of oxidation okay so we managed to finish the types of uh, chemical weathering okay so chemical weathering can be hydration or hydrolysis दैन ऑक्सीडेशन दैन डिस्यूशन ऑफ़ कार्बोनेट्स और फिर साथ में एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी थी जो स्टीरोडल uh, वेदरिंग है इजिप्ट um, के अंदर जो पिरामिड्स हैं ग्रेट पिरामिड्स उसमें एक पिरामिड है स्फिंगस के नाम से सो दैट नोज ऑफ़ द स्फिंग्स इज टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वैदरिंग ये वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है कि किस तरह केमिकल वैदरिंग की वजह से अहराम मिस्र के अंदर um, that nose of the sphinx it got um, weathered away so that was for today